नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया, मेरे यानी किरण बैरागी के साथ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबर। न्यूज हलचल इंडिया की टीम द्वारा बड़वानी जिले की ठीकरी में नकली अवैध बायोडीजल का खुलासा किया गया था, जो मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा अवैध कारोबार था, जिसे पकड़ने के लिए हमारी टीम ने बड़वानी जिला प्रशासन से मदद मांगी थी, किंतु हमारी किसी ने मदद नहीं की थी। कोरी कार्रवाई करने के नाम पर ठीकरी तहसीलदार आए थे, किंतु हजारों लीटर नकली बायोडीजल छोड़कर चले गए, जिसकी शिकायत हमारी टीम ने कलेक्टर कार्यालय और SDM कार्यालय में की गई, तो उन्हें मदद करने और शाबाशी देने के बजाय टीम पर ही केस दर्ज कर दिया था। यही नहीं, CM हेल्पलाइन की शिकायत हटवाने के लिए भी जबरदस्ती की जा रही है। इसलिए न्यूज़ हलचल इंडिया की टीम आज विपक्ष से मदद लेने भोपाल गई थी, जहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी के निवास पर जाकर एक आवेदन सौंपा है, जिसमें उन्होंने विपक्ष से सहयोग करने की अपील की है। अब देखना यह होगा कि क्या विपक्ष सच्चाई को उजागर करने में मीडिया का साथ देता है, या वह भी अवैध कारोबारियों का साथ देता है। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ हलचल इंडिया। दोस्तों, अभी मैं इस वक्त भोपाल में जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी है उनके निवास स्थल के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर हम उनसे मुलाकात करने आए थे और यह आवेदन देने आए थे। थोड़ा दिखाइएगा, ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का निवास स्थल भोपाल में है, जो विपक्ष के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनसे लेकर आज हम मुलाकात करने आए थे, किंतु उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि दिल्ली गए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने उन्हें ये आवेदन दे दिया है। इस आवेदन के माध्यम से मध्य प्रदेश के कुशासन प्रशासन एवं CM हेल्पलाइन के दोहरे चरित्र को उजागर करने में विपक्ष द्वारा सहयोग प्रदान करने बाबत ये आवेदन का शीर्षक है। इस बायोडीजल पकड़ाताड़ जिस प्रकार से मीडिया के साथ में अभद्रता की गई थी और शासन प्रशासन ने सहयोग करने की बजाय हम पर FIR दर्ज कर दी थी और हमें ही फंसाने की कोशिश की थी, उसी को लेकर हम कमलनाथ जी के पास में चर्चा करने आए थे, विपक्ष से सहयोग लेने आए थे कि ऐसे कुशासन प्रशासन से लड़ने के लिए क्या विपक्ष हमारी मदद करेगा। लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। अब आवेदन दिया है, यह आवेदन को देखकर हमें कब तक इसका जवाब मिलेगा, इसका हम इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।